बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम अपना चैप्टर 8 और लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी और अभी हम इसी को यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज़ कॉस्ट। देखिए, हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि कॉस्ट क्या होती है। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के अंदर हमारे पास होते हैं और उसकी मदद से हम कोई चीज़ बनाते हैं। सारी दुनिया की सारी चीज़ें इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलकर बनती हैं, जिनके अंदर है लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में और जितनी भी चीज़ें हैं वो इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलकर बनती हैं। अगर हम इस पेन की बात करें तो ये पेन भी कहीं ना कहीं ज़मीन पे बना है, ठीक है। इसकी फैक्ट्री ज़मीन पे है, तो लैंड इन्वॉल्व हो गई, किसी का पैसा लगा है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कोई ना कोई लेबर ने इसको बनाया है, ठीक है। तो लेबर क्या होता है? फिजिकल और मेंटल एफर्ट। तो जिस लेबर ने बनाया है वो उसका लेबर है, और जिन लोगों ने वो फैक्ट्री चलाई है उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसी तरह हम कोई भी दुनिया की चीज़ ले लें तो वो इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलकर बनती है। और वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो जो लैंड प्रोवाइड करता है, जिसकी ज़मीन होती है, वो क्या लेता है? रेंट। लैंड वाला क्या लेता है? रेंट। लेबर को सैलरी या वेजेस मिलते हैं। जो लेबर प्रोवाइड करता है वो वेजेस मिलता है। जो अपना पैसा लगाता है वो पैसे पे इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या लेती है? प्रॉफिट। तो ये 4 चीज़ें अगर आप ऐड कर लो ना, कि लैंड का रेंट, लेबर की वेजेस, कैपिटल वाले का इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, तो ये चीज़ किसी चीज़ की क्या कहलाती है? कॉस्ट। कोई भी पेन है, इसकी जो कॉस्ट होगी उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। जिधर ये फैक्ट्री का रेंट उसमें शामिल होगा, लेबर की क्या होगी एफर्ट्स जो ही है, जो उसकी सैलरी है वो शामिल होगी, कैपिटल का इंटरेस्ट शामिल होगा और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। तो हम इकोनॉमिक्स में इन तमाम चीज़ों को क्या कहते हैं? कॉस्ट। ये किसी भी चीज़ की कॉस्ट कहलाती हैं। अच्छा, जब हम इसको बेचते हैं तो डेफिनेटली मोर देन कॉस्ट बेचते हैं, यानी कि जब हम इसको बेचते हैं तो हम डेफिनेटली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रखकर बेचेगा, ठीक है। जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है वो क्या कहलाता है? सेल। और इस सेल्स को हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है इकोनॉमिक की कॉस्ट और एक होती है अकाउंटिंग वाली कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है और अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं और जो इकोनॉमिक्स की कॉस्ट होती है इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग की कॉस्ट में सिंपली वो सारी पेमेंट्स आती हैं जो आप एक्चुअली पे करते हैं। लाइक आप रेंट पे करते हैं, आप लेबर को सैलरी देते हैं, आप इंश्योरेंस पे करते हैं, जितनी भी कॉस्ट आप इन टर्म्स ऑफ मनी पे कर रहे हैं, पैसे के अंदर जो भी कॉस्ट पे कर रहे हैं उसको अकाउंटिंग वाला रिकॉर्ड करता है और उसको एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है। बट जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं या इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 कॉस्ट शामिल होती हैं हमारी। एक होती है वही कॉस्ट जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, और प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इकोनॉमिक्स में हम उस चीज़ को भी कंसिडर करते हैं जो हम कर सकते थे, बट जब हमने डिसीजन लिया और हमने उसकी कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया। लाइक देखें, आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग है इसमें आपने अपना कॉलेज बना लिया बिल्डिंग के अंदर, या आपने इसको अपनी फैक्ट्री बना ली, तो अब आपको बिल्डिंग का रेंट नहीं देना पड़ेगा। मगर अगर आप इसको अपने ओन इस्तेमाल में नहीं लेते तो आप इसको कहीं ना कहीं रेंट पे दे सकते थे, आप इसको रेंट पे दे सकते थे लोगों के रहने के लिए या बिजनेस के। तो आप अपना काम करने की वजह से इसका रेंट आपके पास नहीं आ रहा। तो जो रेंट आपके अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं अपनी बिल्डिंग में, तो जो रेंट आपके पास नहीं आ रहा, इकोनॉमिक्स उसको भी कॉस्ट कंसिडर करता है। इकोनॉमिक्स कहता है ये भी कॉस्ट है जो तुमको नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ कि तुम इसके अंदर बिजनेस कर रहे हो। तो वो कॉस्ट जो आपको मिल सकती थी बट आप कोई काम कर रहे हो उसकी वजह से नहीं मिल रही, वो भी इकोनॉमिक्स कॉस्ट का
पार्ट होता है। अकाउंटिंग की कॉस्ट सिंपली वो कॉस्ट होती है जो आप पे कर रहे हो। इकोनॉमिक्स की कॉस्ट वो कॉस्ट होती है अकाउंटिंग की कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जो आप हासिल कर सकते थे बट जो ड्यू टू आपने काम कर रहे हैं उसके लिए अब आपको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक्स की कॉस्ट बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, एक हमारे पास होती है शॉर्ट रन कॉस्ट, और एक हमारे पास होती है लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट वो होती है जिसके अंदर एटलीस्ट एक वेरिएबल फैक्टर या एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम सेम लेते हैं। लाइक हम बिल्डिंग को सेम रखेंगे, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें आप बिल्डिंग नहीं बदल सकते। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक बिल्डिंग में आपकी फैक्ट्री है, आपको प्रोडक्शन ज़्यादा बनानी है, टी शर्ट ज़्यादा बनानी है, आप मशीन बढ़ा सकते हैं कि आपने एक मशीन रखी आप इतने यूनिट बना रहे थे, आपने दूसरी मशीन रखी आप ज़्यादा यूनिट बना रहे हैं। बट एक हद तक मशीन रख सकते हैं, जब बिल्डिंग की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तो आपको बिल्डिंग बढ़ाना पड़ेगी। अब मज़ीद उस बिल्डिंग में रहते हुए आप मज़ीद प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो जो बिल्डिंग का बढ़ाना है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं हो जाएगा, उसके लिए एक लंबा अरसा चाहिए, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होता है। उसके लिए आपको जमीन परचेज करनी पड़ेगी, फिर नक्शा प्रूफ कराना पड़ेगा, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन होगी, फिर वो कलर होगा, फिर कहीं जाके बिल्डिंग बनेगी, तो वो एक लंबे अरसे में होगी। वो लंबा अरसा उसको हम इकोनॉमिक्स में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, और जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है उसके अंदर क्या होता है, एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका सेम रहता है। लाइक रेंट हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये आप फिक्स रख के वेरिएबल फैक्टर बढ़ा सकते हो। लाइक लेबर बढ़ा सकते हो, आप लेबर आपने बढ़ाई आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप लेबर को बढ़ाकर अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, मगर एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनमें से आपको सेम रखना होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर तमाम फैक्टर वेरिएबल होते हैं, मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो। लाइक लैंड को भी चेंज कर सकते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, लेबर को भी चेंज कर सकते हो, कैपिटल को भी चेंज कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरह की हमारी कॉस्ट होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, एक चीज़ होती है हमारे पास फिक्स कॉस्ट, ठीक है, एक चीज़ होती है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, और एक चीज होती है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ मनी जो आप एक सर्टेन प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, जो फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती। लाइक अगर आप ये हम एक फैक्ट्री का रेंट ले लें और फैक्ट्री में काम हो ना हो आपको रेंट पे करना है, तो वो जो रेंट है फैक्ट्री का वो फिक्स है, तो उसको चाहे आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन करें या नहीं करें आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट पे करना है, तो ये फिक्स कॉस्ट है। और कब तक फिक्स है, एक सर्टेन नंबर तक। लाइक आप 10 मशीनें उस फैक्ट्री में लगा सकते हैं, तो वो फिक्स कॉस्ट कब तक होगी, जब तक आप 10 मशीनें उस फैक्ट्री में स्टॉल ना कर दें। अब अगर आप 12 मशीनें लगाने जाएंगे तो आपको एक नई फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी, तो वो फिक्स कॉस्ट कहाँ तक है, जहाँ तक उस फैक्ट्री की कैपेसिटी है, जहाँ तक उस फैक्ट्री की पूरी कैपेसिटी प्रोडक्शन की है। तो अगर हम फिक्स का ग्राफ बनाएं, जो हम फिक्स का ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कॉस्ट लेते हैं और यहाँ पर हम नंबर ऑफ यूनिट लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको स्केल करें 10, 15, 20, 25, यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, तो फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कांस्टेंट रहती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो सेम रहती है, यानी कि एक यूनिट बना रहे हैं तब भी 15 कॉस्ट आ रही है, 2 पे भी 15 आ रही है, 3 पे भी 15 आ रही है, 4 पे भी 15 आ रही है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली बताएं तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ये बताएगा कि ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ाने से चेंज ना हो, ऐसी कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ाने से चेंज ना हो वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। एक चीज होती है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ये होती है कि जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हो वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहती है। तो जो कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़े उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं,
ठीक है, अगर हम इसका एक छोटा सा टेबल बना लें यहां पर कि ये नंबर ऑफ यूनिट है, ये फिक्स कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट, ठीक है। एक यूनिट, दो, तीन, चार यूनिट। फिक्स कॉस्ट सपोज कर लो हमारी फिक्स है 15 15 15 15। फिक्स कॉस्ट क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा लो बना लो तो तुम्हें एक फिक्स कॉस्ट पे करनी है, तो लाइक वो ये है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ती है। लाइक अगर तुम ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाते हो तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज होगी, लेबर के वेजेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे तुम्हारी कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट ये है कि एक यूनिट बनाने पर वेरिएबल कॉस्ट सपोज 10 आ रही है, दो यूनिट बनाने पर 20 आ रही है, तीन यूनिट पर 30 आ रही है, चार यूनिट पर 40 आ रही है। अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या है कि एक यूनिट बढ़ाने पे कितनी आ रही थी, जब हम वन यूनिट बढ़ा रहे थे तो 10 आ रही है, दो यूनिट को बढ़ाने पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट 20 है, तीन यूनिट को बढ़ाने पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट 30 है कुछ यहाँ होगा, और चार यूनिट को 40 है कुछ ऊपर होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ऊपर की तरफ अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जो कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने से इंक्रीज हो। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने या कम होने से चेंज ना हो, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ होती है हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट सिंपली किसी चीज़ की टोटल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के सम को बोलते हैं। अगर हम एक यूनिट बना रहे हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 15 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 रुपये। तो एक यूनिट को बनाने में हमें 25 रुपये आ रही है, दो यूनिट को बनाने में वेरिएबल 20 है और ये 15 है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो 35 हो जाएगी, और इसी तरह तीन यूनिट को बढ़ाने में 30 40 45 हो जाएगी, और चार यूनिट को बढ़ाने में 55 हो जाएगी। तो हमारी क्या होता है, फिक्स कॉस्ट के अंदर अगर हम ऐड कर लें वेरिएबल कॉस्ट तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है? टोटल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो डेफिनेटली क्या होगी? वो यहाँ से ऊपर की तरफ होगी कुछ। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, तो वो क्या होगी? वो इधर से ऊपर की तरफ होगी। तो हम ये अपना ग्राफ बढ़ा लें, ये 30 हो गया, ये 35, ये 40, ये 45, ठीक है। तो जो वेरिएबल, और प्लस ये है कि टोटल कॉस्ट एक यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी? 25, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर शो हो रहा है, एक यूनिट पे 25 है, दो यूनिट पे टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 35, तीन यूनिट पे टोटल कॉस्ट आ रही है 45 और 55। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट का कर्व होगा वो वेरिएबल कॉस्ट से भी ऊपर होगा। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। और जो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ये कहलाता है फिक्स कॉस्ट। क्योंकि जो टोटल में और टोटल कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में जो फर्क है, वो फर्क किस चीज़ का है? फिक्स कॉस्ट का। अगर मैं बोलूं कि 25 में से मैं वेरिएबल 10 निकाल दूं तो 15, 35 में से मैं 20 निकाल दूं तो 15, 45 में से मैं 30 निकाल दूं तो भी 15 बचेगा, 55 में से मैं 40 निकाल दूं तो भी 15। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस जो 15 का आ रहा है, ये फिक्स कॉस्ट को शो कर रहा है। जो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान में होता है वो क्या होता है? फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है जी। और एक चीज इसके अंदर और आप समझ लें, मार्जिनल कॉस्ट, MC। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? मार्जिनल मींस होता है एडिशनल। मार्जिनल मींस क्या होता है? एडिशनल। मार्जिनल मींस क्या होता है? एडिशनल। जब हम एडिशनल कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं, अगर हम बात करें यहां पर मार्जिनल कॉस्ट की, तो मार्जिनल मींस क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। एडिशनल क्या होता है? टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। अगर आपको एडिशनल कॉस्ट निकालनी है तो आपको टोटल कॉस्ट का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस कितना है? 25, 35 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। 35, 45 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। और 45, 50 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जब हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ यूनिट को बढ़ाने में हमारी कॉस्ट आती है, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है बात? तो हमने क्या बात डिस्कस की कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने और प्रोडक्शन के कम होने से कम और ज़्यादा नहीं होती,
वो फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो जो प्रोडक्शन के बढ़ने और प्रोडक्शन के कम होने से कम और ज़्यादा होती है, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। और टोटल कॉस्ट क्या होती है? जो फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम सम कर लें तो वो क्या होती है? वो हमारे पास आती है टोटल कॉस्ट। अच्छा, एक चीज होती है एवरेज, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे आती है? जब आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट या क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट। तो हमारे पास तीन तरह की एवरेज कॉस्ट होती हैं। एक होती है एवरेज टोटल कॉस्ट, एक होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और एवरेज एमसी मार्जिनल कॉस्ट भी आप ले सकते हो, मगर हम नॉर्मली इनको लेते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो अगर कैसे आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट? कैसे आएगा? जब आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें क्वांटिटी। और एवरेज वेरिएबल कैसे आएगा? जब आप वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दें क्वांटिटी। और एवरेज फिक्स कैसे आएगा? जब आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें क्वांटिटी, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट क्या आती है कि आपको एक यूनिट के बनाने पे एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है। और एवरेज हम किस तरह से लेते हैं? अगर हम एवरेज इसी तरह से लेते हैं कि हम टोटल कॉस्ट को वो जितने नंबर ऑफ यूनिट बन रहे हैं उन पर हम जो है डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाती है। और जो हम एवरेज कॉस्ट होती है वो एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर और उसका ग्राफ कुछ लाइक इस तरह से होता है कि वो शुरू में, अगर हम बात करें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम कॉस्ट को लेते हैं, यहाँ पर हम नंबर ऑफ यूनिट को लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट शुरू में कम होती है और फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये होती है हमारे पास एवरेज कॉस्ट। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो एवरेज यानी टोटल कॉस्ट से भी नीचे होगी, क्योंकि टोटल में दो चीज़ों का सम होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इससे नीचे होगी और ये जो पोर्शन होगा ये आपका फिक्स कॉस्ट को बता रहा होगा, ठीक है। ये जितने भी कॉस्ट के कर्व है और आगे हम रेवेन्यू के कर्व इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ये आपको एक मार्केट हमारा चैप्टर है उसके अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जिसमें आप परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, इंशाल्लाह यहीं से हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।